का नाम है जी तुर? का नाम है? हाँ का नाम है? कौन गांव ले आए जी? हैं? देख ऊपर, देख ऊपर से हटाओ तो। आंटी जी क्या नाम है आपका? आंटी ऊपर देख। आंटी छत्तीसगढ़ी में बोलो। छत्तीसगढ़ी सुन ना, हमारे बात ना सुन बे, तेरे ओबे जोत ले बे, सुन ना हमारे कुछ बाहर चल, एक अली सुन ले का बात है, सुन। ओ देख तेरे गांव बताने का, गांव लेके जाबो तो ना, गांव लेके जाबो ऊपर देख। क्या है ना, रह जाबे ना बात, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कुछ नहीं करेंगे आप, चले जाओ, चलो उठो, कुछ नहीं, चल ना दाई, चल ना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होगा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कुछ लगा कैसे लगा के, चल ना, चल ना, हम ले को खाली वॉच नहीं करेंगे आप, तो खड़े हो जाओ, खुद से खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होगा, आप खड़े हो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर ऊपर देखो, ऊपर देखो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, घर जाओ, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, शांत रहिए, कुछ नहीं हो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, कोई कुछ नहीं करेगा, ऊपर देखो, चादर नीचे से ही डाल दो, नीचे से ही डाल दो, नीचे से टावल जैसे बना, खड़ा करोगे तभी पहन पाएगा। अब कपड़ा लपेटो, कपड़ा लपेटो, कपड़ा लपेटो, कपड़ा लपेटो, नमस्कार। अभी हम आगार गांव में हैं, जो कि धमदा के पास पे है, दुर्ग जिला में, और आज ही सुबह हमें इस महिला के बारे में सूचना मिली थी कि ये अर्धनग्न अवस्था में गांव में घूम रही है, और गांव वालों को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जब हमने इनका वीडियो देखा तो एक साड़ी बस लपेटी हुई थी, और इनका मतलब इनके बदन में और कोई कपड़ा नहीं था, और ये कई दिनों से ऐसी विक्षिप्त हालत में घूम रही है, और कोई कपड़ा भी इनको दे रहा है गाँव से तो ये पहनने को भी तैयार नहीं है। तो अभी हमें जिन्होंने सूचना दी थी उनसे हम थोड़ा जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि कब से वो देख रहे हैं, कब से आप लोग देख रहे हैं भैया, और क्या स्थिति में देख रहे हैं? एक सप्ताह हो गया वो घर आगे जाती है, फिर वहीं पे शाम को आ जाती है जी, अब खाना वाना देते हैं तो खा लेती है, बाकी कपड़ा उपड़ा ऐसे अब नहीं करती। अच्छा, ऐसी विक्षिप्त हालत में ही घूम रही है? हाँ, बातचीत कुछ नहीं करती। आप लोग के गाँव या आस पास के गाँव से ऐसा कुछ खबर है? नहीं, आस पास से नहीं है, हमारे गाँव से नहीं। कभी बात करने का प्रयास किया तो कुछ बात की? नहीं, बात करने का हम लोग प्रयास किए तो वो बात नहीं करती, कुछ भी बात नहीं करती। जैसे खाना देते हैं तो कुछ बात करते हैं? खाना को हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। अच्छा, अगर देंगे ना तो वो बात नहीं करती, वो देखती भी नहीं है। नाम आप कुछ बताएं? नहीं, कुछ नहीं। एक हफ्ते से ऐसे ही? और ये सोती कहाँ पे है? यहीं पास। यहीं पर सोती है? हाँ। अच्छा, रोज रात को यहीं सोती है। तो जैसे कि आप सुन रहे थे भैया से कि वो आसपास गांव में घूमती है, उसके बाद रात में आकर यहीं पर सो जाती है। आप समझ सकते हैं जब एक महिला सड़क किनारे रोड पे होती है और ऐसी अर्धनग्न अवस्था में होती है तो कितना ज़्यादा इनसिक्योरिटी अपने लाइफ में फेस करते हैं, ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इनकी हालत आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति पे इनके बाल में भी जटा है और कपड़ा भी पूरा नहीं पहन पा रही, शायद ये अपने आप को भी नहीं पहचान पा रही होगी, और इनकी क्या अवस्था होगी शायद इनको भी अभी तक नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम ऐसे ही बुजुर्ग और मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग जो सड़कों पर रहने को मजबूर है उनके बेहतर ज़िंदगी के लिए काम करते हैं, उनको संरक्षण देने का काम करते हैं, और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि इनको आश्रम लेकर जाए, उसके बाद इनकी इलाज शुरू करवाया जाए और इनकी एक बेहतर ज़िंदगी के लिए प्रयास किया जाए, साथ ही साथ इनका घर पता करके इनकी घर वापसी के लिए प्रयास किया जाए। आपसे भी अनुरोध है कि आपके आसपास गांव अगर कहीं पे भी अगर ऐसा कोई विक्षिप्त या बुजुर्ग नज़र आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का प्रयास करें ताकि ऐसे लोगों की ज़िंदगी खतरे पे ना पड़े। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप जैसे भी मदद हो सके आप कर सकते हैं। अभी हम इनको लेकर आश्रम जाएंगे और उनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए प्रयास करेंगे।
जब हमने सबसे पहली बार इनका वीडियो देखा था तो इसलिए हम तुरंत आ गए क्योंकि इनकी हालत काफ़ी दयनीय थी और ये ऐसे ही गांव में घूम रही है, क्योंकि ऐसे लोग जब रोड पे घूमते हैं तो कई सारी घटनाएं होने की आशंका रहती है और ये सब चीज़ों से बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं और एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। ये अभी कुछ बात हमने बहुत ज़्यादा बात करने का प्रयास किया लेकिन ये कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है और कुछ बोल भी नहीं रही है। और अभी हमने इनको कपड़ा ओढ़ा ज़रूर है और अब इनको, क्योंकि ये हमारे साथ आने को तैयार तो नहीं होगी, लेकिन हम इनको ज़बरदस्ती लेकर जाएंगे और प्रयास करेंगे कि हमारे साथ अच्छे से आएंगे। लेकिन बहुत सहमी हुई है, अंदर अंदर रो रही है शायद और आवाज़ बस सहमा हुआ सा आ रहा है इनका और कुछ भी बात करने को भी तैयार नहीं है। देखते हैं इनको ले जाकर, थोड़े दिन के इलाज के बाद ही समझ में आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं लेके जा रहे, तबीयत खराब है ना आपकी, आपकी इलाज करने लेके जा रहे हैं, शांत हो जाओ ठीक है, कुछ नहीं होगा आपको, कोई कुछ नहीं करेगा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो गाड़ी में बिठाया है और अभी आश्रम लेकर जा रहे हैं। अगर आपको भी अगर कहीं से भी ऐसे किसी इस महिला के बारे में अगर कोई भी जानकारी मिलती है, इनके परिवार या फिर इनके परिजन किसी के बारे में अगर आपको पता है या फिर आप इनको जानते हैं तो आप हमें ज़रूर सूचना दे सकते हैं। नीचे हमारा नंबर लिखा हुआ आएगा, आप उसमें सूचना दे सकते हैं ताकि इनकी घर वापसी हम जल्द से जल्द करवा सकें। आप सबसे ये हमारा अनुरोध है कि ताकि ये अपने घर पहुँच सके और सुरक्षित रह सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो इसलिए हमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इस मैसेज को फॉरवर्ड करें और इनके घर ढूंढने में हमारा मदद कीजिए। थैंक यू, चलो बैठो। जाओ 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 अजय भैया, यहीं से आप लोग इधर आना।
तरबाल है पूरा खराब हो गए हो गया कुछ माफ कर देना मैडम कुछ नहीं होगा माफ कर दे कुछ नहीं होगा बिल्कुल हिलना नहीं बिल्कुल हिलना नहीं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा शांत साथ में चलो आगे मत चलो चलो आगे चलो आगे चलो Thank you.
सो जाएगा।